अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ। खंडवा में एक चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के सामने पेट्रोल पंप के पास की है। घायल व्यक्ति का नाम शेख लतीफ है, जो गुलशन नगर कॉलोनी का रहने वाला है। घायल युवक लतीफ ने बताया कि वह सब्जी मंडी से बाहर निकल रहा था, तभी शराब के नशे में एक युवक लतीफ के पास आया और गाली गलौज कर लतीफ से विवाद कर रहा था, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी बीच शराबी युवक ने लतीफ के सिर में शराब की बोतल मार दी और उसे सीने में चाकू मार कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। घायल युवक लतीफ का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने घायल युवक के बयान दिए, जहां पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि घायल युवक लतीफ ने क्या कुछ कहा। ये सब्जी मंडी के सामने की बात है, पेट्रोल पंप के पास। सर मैं आ रहा था, दारू पिया था, मेरे को मादन की गाली बका सर। मैंने उसको गाली वाली बका, उन्होंने लिया मेरे सर पे, बोले बियर की बोतल मार दिया लाके बांधर से, कलाजी की बाजू में ही थी। उसके बाद मेरे को लाया फटाफट, बोले गाली बका तू तेरी माका जी, मेरे को ऐसा बोला गाली बका, तो उन्होंने लिया मेरे को चाकू मार दिया यहाँ पर सीने पे, बोले देखो मारी डालूंगा, बोले आज तो सीने पर चाकू मार दिया सर उनने। वो तो ड्राइवर है, पहचान था, वो घासपुर गाड़ी चलाता, माल गुदाम में गाड़ी चलाता है। वो नाम नहीं वाला नवाब, उसका बाप का नाम नवाब है और वो खुद का नाम आसिफ भी है। आसिफ नवाब पिता आसिफ सर, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी हुआ नहीं। पहली बार जिंदगी में पहली बार मामला हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी के लेके विवाद नहीं, सिर्फ गाली गलौज पे से ही बात खराब हो गई। बात आप कहाँ से आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे? सर मैं मंडी में से आ रहा था माल ढूंढ के, ये अनाज प्याज मंडी में से, तो एकदम ये दारू पी के बाहर निकल रहा था, तो सिर्फ मेरे मुलाकात हो गई खाली बस्ते, तो मैंने पूछ लिया उससे क्या आ रहा, तेरी माँ का तेरी बहन का गाली गलौज खेल रहे, बियर की बोतल लाया मेरे सर पे, बोले मारा सर पे देखो चोट, तो उसके बाद लाया फिर चाकू मार दिया मेरे को यहाँ सर, इस चाकू मारने 10-12 टाके आ गए मेरे चाकू के अंदर, कुछ भी नहीं, भग गया वो तो, और मेरे को उठाने वाले मेरे खुद आ गया, और मारूंगा बोले, हाँ और मारने का बोले, अस्पताल में आके मारूंगा देखो बोले। शेख लतीफ गुलशन नगर गली नंबर 7 में रहता, वो बीड़ी पे रहता हूँ। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा श्री गणेश मंदिर के आगे।